Today we will do exercise 2.4 question number 4. इस तरह का क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 2.3 में भी कर चुके हैं ऑलरेडी. किस तरह क्वेश्चन को पहले समझेंगे, वहां भी उसने यही पूछा था. इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसके टू जीरोस दिए गए थे. मैंने आपको एग्जांपल में बताया भी था कि इस तरह के टू जीरोस ये सिंगल लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन इसका मींस ये है कि 2+√3 लिखा हुआ है एंड 2-√3 लिखा हुआ है. तो ये हमारे टू जीरोज ही हैं, एक जीरोस नहीं समझेंगे इसको, टू जीरोज ही हैं. और उसने आगे बोला है फाइंड अदर जीरोस, और उसके अदर जीरोस बताने हमें. तो सबसे पहले हम इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, लेट पी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है तो हम इसको पी एक्स मान सकते हैं. इसके जीरोस क्या है, 2+√3 एंड 2-√3 ये इसके जीरोस हो गए. जब ये हमारे इसके जीरोस हैं, ये एक हमारा जीरोस ये है और एक हमारा जीरोस ये है, देन क्या होगा, यहां से इसके दो हमारे फैक्टर निकल के आएंगे, एक्स माइनस, यहां माइनस लगा लेंगे और इसमें से हम पहले एक के सामने एक माइनस का साइन रख देंगे और एक के सामने हम प्लस का साइन रख देंगे. ये हो गया. कैसे रख सकते हैं वो समझिए, जैसे हमने एक बार इसको प्लस कर लेंगे एक बार माइनस कर लेंगे, क्योंकि ये अगर हमारा नंबर आया होगा, ये वाला नंबर हमारा कहां से आया होगा, ये पहले से इस तरह से लिखा होगा इक्वल टू जीरो एक्स 2+√3 इस तरह से लिखा होगा, तभी तो आया होगा. तो अगर हम इसको पूरा इधर लेके आ सकते हैं तो इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तभी तो ये फैक्टर होगा. तो ये इसी तरह से लिखा हुआ है एंड ये किस तरह से लिखा होगा, एंड ये किस तरह से लिखा होगा, एक्स माइनस इसको इधर लेके आए होंगे, तो यहां से हम इसको ये यहां माइनस का साइन है, यहां माइनस का लिख लिया क्योंकि इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं. ये हमारे जीरोस थे, एक्स माइनस 2+√3 एंड एक्स माइनस 2√-3 आर इट्स फैक्टर. ये क्या हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए. अब हमें इस फैक्टर्स को हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है ये एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा, हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, ये प्लस हो जाएगा इस बार. यहां से हमने देखा कि एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, नो इधर तो ये माइनस ही रहेगा. अभी इसके ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, सॉरी गलत हो गया, यहां से अभी अब हम इसके ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो यहां से क्या होगा, ये बन जाएंगे हमारे इसके फैक्टर्स √3. यहां से हमने देखा कि ये दोनों हमारे सेम है, ये दोनों हमारे सेम है और इसमें प्लस और इसमें माइनस हो रहा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से भी तो लिख सकते हैं हम इसको, इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर, ये इसके फैक्टर हो गए, ये फैक्टर हैं, तो हम इसको ऐसे लिख लिया. अब इसको हम फॉर्मूले के बेसिस पे बोल रहे हैं, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर 2 × पहला नंबर दूसरा नंबर माइनस 3 एक्स क्यू, और ये हो गया हमारा +1, या मैं पहले इसको लिख ले रहा हूँ −4x+1, ये इसका एक फैक्टर हो गया, क्योंकि हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से जब करते थे तो इसी तरह से हम उसको सॉल्व करते थे, तभी तो ये आता था, तो इसको हमने रिवर्स में किया है. अब जब ये इसका फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे, इस वाले नंबर से हम इसको
डिवाइड कर देंगे, यहाँ डिवाइड थोड़ा लंबा होगा तो मैं इधर करता हूँ इसका डिवाइड, यही सुन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन से मैं डिवाइड करता हूँ पॉलिनोमियल को, क्योंकि हमें जीरो से निकालने के लिए हमें डिवाइड करना होता है, वन थर्टी सिक्स एक्स माइनस थर्टी फाइव। यहां से देखा हमें एक्स स्क्वायर की जरूरत है, एक्स स्क्वायर ले लिया हमने, इसका मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर फोर माइनस एक्स फोर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज हो गए, यहां से कट गया, ये हो गया हमारा माइनस का टू एक्स स्क्वायर, यहां से ट्वेंटी सेवन एक्स स्क्वायर और प्लस वन थर्टी सिक्स एक्स माइनस थर्टी फाइव, ये पूरा रिमेनिंग बचा वो हमने ले लिया, माइनस टू और एक्स ही हमारे पास, तो यहां से क्या होगा माइनस का टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर टू या एट एक्स, ये यहाँ एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यू होना चाहिए, सॉरी ये एक्स क्यू आएगा और यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस एक्स माइनस सॉरी माइनस का टू एक्स, यहाँ मैंने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो टू एक्स क्यू हो गया, इसका इसमें किया टू टू या फोर माइनस का फोर से कर रहे हैं तो प्लस का एट हो गया ये हमारा, और यहाँ पे माइनस से किया तो माइनस का टू हो गया, अभी ठीक है, प्लस माइनस और प्लस ये हमारा कट गया। यहां से हमने देखा कि ये हो गया हमारा 35 एक्स स्क्वायर माइनस का और ये हो गया हमारा 138 एक्स माइनस 35 अभी हमने देखा आगे कितना आ रहा हमारा 35 तो हम इसमें 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से ये क्वेश्चन हमारी ये 130 हाँ ये 138 है, 138 है ये 138 है तो 138 140 हो जाएगा ये हमारा। अभी हमने देखा माइनस का लेके आना है आगे, तो माइनस ले आए हम और माइनस के 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें माइनस के 35 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें हमने किया तो प्लस का 140 और माइनस का 35, यहाँ से हमने देखा कि ये सब हमारा कैसा हो गया कट गया, तो ये हमारा क्या आ गया है फैक्टर आ गया। अब इस तरह के फैक्टर्स को हम सॉल्व करना जानते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले से, हमें 35 के फैक्टर ऐसे करने हैं कि जिसको तोड़ने के बाद हमने किया 35 का फैक्टर 5 7 जा और 7 बन जा, तो हमने देखा 7 5 जा 35 तो 7 5 जा 35, तो यहां से हम इसको बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस का लेके आना है, तो हमने देखा यहां से x कॉमन आ गया, इन दोनों में से x आ गया, इसमें से 5 आ गया, x माइनस 7 x माइनस 7 एक्स प्लस फाइव, इसके जब जीरो से निकालते हैं तो इक्वल में जीरो ले लेते हैं तो एक्स इक्वल टू सेवन एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस फाइव, तो इसके सभी जीरोस क्या हो जाएंगे हमारे, तो हम यहां से लिख सकते हैं टू प्लस माइनस रूट थ्री कॉमा सेवन एंड माइनस फाइव आर द जीरोस ऑफ कितना है हमारा उसको लिख दें, ये सिक्स एक्स क्यू माइनस ट्वेंटी सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन थर्टी एट एक्स माइनस थर्टी फाइव, ये सब क्या हो जाएंगे इसके जीरोस हो जाएंगे। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको अच्छे समझ आ जाए, सबसे पहले उसने बोला हो कि टू जीरोस दिए गए हैं या फाइंड ऑल द जीरोस, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही हमें
थोड़ा समझना है कि फाइंड ऑल द जीरोस, जब जीरोस निकालने के लिए बात किया जाए उसमें वन जीरोस दिया गया होगा या टू जीरोस दिए गए हो, तो सबके लिए एक ही प्रोसेस है। वन जीरो दिया है या टू जीरो दिया है या थ्री जीरो दिया, कितना भी दिया है तो सबके लिए एक ही प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसको हम पी एक्स कर लेंगे और जो जीरोस दिए गए हैं उसको हम लिख लेंगे। देन उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो नंबर है हमें कहाँ से मिले होंगे, ऑलरेडी ये फैक्टर होंगे तभी तो हमें जीरो मिले, तो हमने इसको फैक्टर की फॉर्म में लिख लिया। एक ये हम इसको एक्स में से माइनस कर देंगे इस पूरे नंबर को, उस वाले नंबर को भी एक्स में से माइनस कर दिया, इसको भी एक्स में से माइनस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे फैक्टर बन जाएंगे हमारे, ये फैक्टर बन गए हमारे। अब ये फैक्टर बनने के बाद हम इनको क्या करेंगे, हमें इसमें दिख रहा है हमने माइनस का फॉर्मूला खोल लिया, ये माइनस लगा हुआ है फॉर्मूला खोल लिया, ये खोल लिया हमने ब्रैकेट खोल लिया, ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ से दोनों का साइन चेंज हो गया। ये दोनों नंबर हमारे पहले पहले इक्वल दिख रहे हैं, तो हमें हमने देखा यहाँ से कि हमारा फॉर्मूला बन जाएगी, एक में प्लस हो जाएगा, ये एक नंबर हो जाएगा पूरा और ये एक नंबर हो गया पूरा, तो एक में माइनस हो रहा है एक में प्लस हो रहा है, तो ये एक में माइनस एक फॉर्मूला हो जाएगा पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर, तो यहाँ से हम स्क्वायर को जब खोलेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। जब हमारा ये एक इक्वेशन बन गई तो इससे हम क्या करेंगे, ये वो बन गया वेरिएबल बन गया, तो हम इससे इसको क्या करते हैं डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जहाँ से हम जीरो से निकालते हैं उसका वो उसका फैक्टर होता है। तो अब हम इसके फैक्टर्स के फैक्टर्स इससे हम इसका क्या करेंगे, इसमें हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमें एक मिलेगा ये, और उससे हम क्या निकाल लेंगे, हम जीरोस निकाल लेंगे, जीरोस निकालने के बाद हमारे ये पूरे जीरोज हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा रूट टू प्लस थ्री, तो ये हमारे पहले से दो जीरोस थे और सेवन और माइनस का फाइव, तो जीरोस निकल के आ गए, तो ये हमने लिख दिया कि टू प्लस माइनस रूट थ्री एंड कॉमा सेवन एंड माइनस फाइव आर द जीरोज ऑफ ये नंबर जो दिया गया था पॉलिनोमियल उसके जीरोज हैं। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फोर तक आपका पूरी तरह से फिनिश हो जाता है।